सभी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। मुझे सूली चढ़ाने की कीमत अदा की है मेरी माँ ने, ये मेरे किसी काम के नहीं है, लेकिन तुम्हारी जरूरत इनसे पूरी हो सकती है। ये लो और उसे ले जाकर दे देना और कह देना उससे कि रस्में वहीं होती हैं जहां रिश्ते हों। इस घर से ना तो उसका कोई रिश्ता था और ना कभी होगा। क्योंकि मैंने खुदकुशी नहीं की थी। मुझे जहर दिया गया था। साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। डॉक्टर साहब खुद नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मुझसे ये कहा था कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं अपने घर, लेकिन मैं अपने घर से ज्यादा डॉक्टर साहब के घर में तुम्हें महफूज समझती थी, इसलिए मैंने उनसे कहा था कि वो तुम्हें अपने साथ ले जाएं। मैं जानती हूं कि तुम अब किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। मैं कैसे जा सकती हूँ किसी के घर, मैं तो उन्हें जानती भी नहीं हूं। जानते तो वो भी तुम्हें नहीं थे, ना तुमसे कोई रिश्ता था और ना कोई बदले की उम्मीद। और जिस हाल में तुम हॉस्पिटल पहुंची थी ना, तो किसी दूसरे की क्या, तुम अपनी मदद भी नहीं कर सकती थी। फिर भी एक इंसान सिर्फ इंसानियत के नाते तुम्हारे लिए लड़ता ही जा रहा था। और बड़ी अनहोनी बात लगती है ये कि एक शख्स किसी दूसरे इंसान के लिए बगैर किसी मफाद के इतनी मदद कर सके। और मुझे तो अफसोस सिर्फ इस बात का है कि तुमने उस शख्स को तकलीफ पहुंचाई जिसका तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए था। बड़ी धूम से इज्जत का जनाजा निकाला उसने आपकी, पूरी दुनिया में तमाशा बना के रख दिया। हमें कोई शौक नहीं रिश्ता रखने का, और हमें कोई शौक नहीं है आपकी इज्जत के जनाजे को कांधा देने का। लगा छुपा कर रखा जाता है और दूसरों पर मेहरबानियां की जा रही है। हेलो, जा कहां रही हैं? चले यही बता दे कि नया एल्बम कब आ रहा है। अरे भाई दोनों बहने मर गई पाकीज़ा, जिंदगी ने तो उसका तमाशा बना दिया था। मैं उससे मौत का सुकून नहीं छीन चाहती। पैसे दिए, चार कंधों का इंतजाम किया और दफना दिया। मेरे बस में कुछ नहीं था, मेरे बस में कुछ नहीं था। बीबी आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हैं? इस तरह के केसेस साइबर क्राइम में आते हैं और इसे एफआईए हैंडल करता है। इसमें हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। आली नवाज, ये मोबाइल किधर की, इसको निकालो यहाँ से, भेजो फौरन पहुंचो, किधर है पता करो। हाँ, और वो दूसरी फाइल भी मेरे पास ले जाओ, वो तुम्हारे पास आई हुई है ना।
साथ हम नहीं जाते थे, इसीलिए उन्होंने मुझसे ये कहा था कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँ अपने घर। लेकिन मैं अपने घर से ज़्यादा डॉक्टर साहब के घर में तुम्हें महफूज समझती थी, इसलिए मैंने उनसे कहा था कि वो तुम्हें अपने साथ ले जाए। मैडम जो कुछ भी है आप मुझे बता दें, अगर आपने एप्लीकेशन देनी है तो मुझे दे दें, आप साहब से नहीं मिल सकते। देखिए मेरा उनसे मिलना बहुत ही जरूरी है। अच्छा ठीक है, आप वहाँ बैठे, साहब फ्री होते हैं तो मैं बताता हूँ, प्लीज। परेशान क्यों हो? तुम्हारे वालिद की तनख्वाह कितनी कम थी, घर कितना छोटा सा था, पर उन्होंने मेहनत की, हिम्मत नहीं हारी और देखो आज वो कहां से कहां पहुंच गए हैं। उनकी मिसाल को सामने रखो, सब ठीक हो जाएगा। बहुत फर्क है मेरे और डैड के हालात में। उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए मेरी माँ हर लम्हा उनका हाथ थामे साथ खड़ी थी। मैं जानती हूँ किंजा का रवैया तुम्हारे साथ बहुत अजियतनाक है, लेकिन मुझे यकीन है तुम्हारे खुलूस के आगे उसकी सर्द मेहरी ज्यादा देर नहीं टिक सकेगी। हिम्मत नहीं आ रही। तो बहुत तेज बुखार है, आपने बताया क्यों नहीं मुझे? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैंने दवा ले लिया, अभी ठीक हो जाएगा। आपकी सर्द मेहरी कायम है अभी तक और मुझे मेरे खलूस को हथियार बनाकर रिश्तों की जंग लड़ने का कह रही है। आप चलें, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। अरे नहीं, उसकी जरूरत, बेटे या दामाद की हैसियत से नहीं, एक इंसान होने के नाते इतना हक तो दे सकती है मुझे। आप चलें मेरे साथ। पानी पीजिए आप। तकरीबन एक साल में 718 केसेस मेरे पास पड़े हैं मैडम। किसी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, किसी की सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड होने के बाद ब्लैकमेलिंग के केस है, और कुछ ऐसे हैं जैसे कि आपका मोबाइल स्नैच हो गया आफ्टर तस्वीर वायरल हुई। ये वो केसेस हैं मैडम जो हमने खुद अपडेट्स किए। 718 केसेस किसी ने एफआईआर नहीं कटाई। तो काटिए पहली एफआईआर। आपने कहा और मैंने काट दी। लड़की खुद, उसके मां बाप, उसके मामला, वो तो मर गई, खुदकुशी कर ली उसने। आप कट सकती है एफआईआर? जब मदद ही नहीं तो किसके खिलाफ एफआईआर?
कौन गवाह बनेगा? मैं गवाह, मैं मुद्दई। देखिए मैडम, मैंने आपसे कहा ना कि इस तरह के बेशुमार केसेस हमारे पास है। मैं अपने तौर के ऊपर कोशिश कर ले। मैं आपसे वादा करता हूं कि जो कुछ हो सकेगा मुमकिन मैं करूंगा। आप जाइए, मैं आपको अपडेट्स करता रहूंगा। वो नादिर वाली फाइल लेकर आए, वो केस, मैंने आपसे कहा ना आप जाइए, मैं आपको अपडेट्स कर दूंगा। जी जी हाँ, वही नादिर वाला केस। छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। एक मिनट आंटी, मैं दे रहा हूं पैसे, अब चाहिए मैं कुछ मालूम आते। जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई, साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। डॉक्टर साथ का कमरा कहाँ है? जी वो वहाँ सीढ़ियाँ उतर कर उल्टे हाथ पे तीसरा कमरा है डॉक्टर साहब का। शुक्रिया। बेचारी के पास तो आता ही नहीं मिलने, अब हमको ही ख्याल रखना पड़ेगा ना। जी 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 आपकी फाइल मेरे हाथ में है जी।
जी मैं आपको फोन करके अपडेट देता हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। यस डॉक्टर साहब, मैं आपके साथ आपके घर जाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा बेटा, बहुत शुक्रिया। अब तुम भी जाओ, बहुत देर हो गई है। आप अपना सामान ले आएं, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। आपकी तबीयत इस काबिल नहीं कि आपको अकेला छोड़ा जाए, आप मेरे साथ जा रही हैं। ये मुमकिन नहीं है हमजा, तुम भी जानते हो। मुमकिन तो बहुत कुछ नहीं था, लेकिन वक्त ने सब कुछ मुमकिन कर दिखाया जो हमारे वर्मो गुमान में भी नहीं था। आपको आराम की जरूरत है और यहाँ वो मुमकिन नहीं। प्लीज को डॉक्टर साहब लेकर आए थे। मैंने आपका सारा सामान इस बैग में रख दिया। डॉक्टर साहब विजिट पे, अभी थोड़ी देर में फ्री हो जाएंगे। और हाँ, आपका एक ब्लड टेस्ट अभी बाकी है। रूटीन टेस्ट है, घबराने की जरूरत नहीं। जरा अपना मोबाइल देना। क्या हुआ? हैरान क्यों हो रहे हो? तुम्हें बहुत पसंद है ना बोल्ड पिक्चर्स, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी कुछ तस्वीरें बना के दूं ताकि तुम जब चाहो उन्हें देख सको, एंजॉय कर सको। साया भी साथ जब छोड़ जाए मेरी एक गेस्ट आई भी है, गेस्ट रूम में ठहरी भी है। मैं फिलहाल अब ये तो नहीं बता सकता कि वो कब तक यहां हमारे साथ रहेगी। बस मैं इतना चाहता हूं कि यहां उसे किसी किस्म की तकलीफ ना हो।
किसी और चीज की जरूरत हो बेटा तो मुझे आवाज दे दीजिएगा। वायरल है, अगर दवाई पाबंदी से लेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएगी। हमजा, तुम्हें इन्हें लेके यहां नहीं आना चाहिए था। उनकी हालत इस काबिल नहीं थी कि उन्हें अकेला छोड़ा जाता। इस वक्त उन्हें हमारी जरूरत है। जरूरत तो तुम्हारी किसी और को भी थी, तब क्या हो गया था? जिस जिम्मेदारी की बात तुम आज कर रहे हो, काश इसका एहसास तुम्हें पहले हो जाए। इस बात के बीच में पाकिजा को ना लाए तो बेहतर होगा। क्यों ना लाऊं? क्यों ना लाऊं मैं पाकिजा को बीच में, जब वो है और रहेगी? तुम और अम्मी उसको बुला सकते हो, मैं नहीं। मैं अपनी यादाश्त से कोई चीज भी मिटाना नहीं चाहती, लेकिन जब जब मैं तुम्हें और अम्मी को देखती हूं, मुझे पाकिजा की हर तकलीफ और हर अज़ियत याद आती है। नहीं बुला सकती, नहीं बुला कौन? मैं हूं सारा। अच्छी लग रही हो ना? आज सैटरडे नाइट है, तुम क्या कमरा बंद करके खुद को बैठी हुई हो? हाँ चलो पार्टी में चलो मेरे साथ। हाँ तैयार हो जाओ और जरा ढंग के कपड़े पहनना। हाँ ऐसे मत पहनना प्लीज। दरअसल ढकी छुपी औरतें ना मर्दों को अच्छी नहीं लगती। तैयार हो जाओ जल्दी से, मेरे साथ चलना, मैं इंतजार कर।
तबीयत कैसी है आपकी? बेहतर। हमजा, मुझे खुशी है कि तुमने अपने बारे में मेरे तमाम अंदाजे गलत साबित किए, पर अफसोस कि मैंने तुम्हें एक मौका और नहीं दिया। मैं तुम्हारी कुर्बानियों की कदर करती हूँ। अपने वादे से जुड़ा हर हक अदा किया है तुमने, मैं सिर्फ अपनी ही नजरों में उठने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे भी जिन हालात से भी गुजर कर हम एक रिश्ते में जुड़ चुके हैं, अब इसे किसी के लिए भी फरार मुमकिन नहीं है, ना आपके लिए, ना मेरे लिए, और ना कंजा के लिए। अब यही जिंदगी है और यही हकीकत। अब ये हम पर है कि हमें जिंदगी को खुद पर जहन्नम बना लें या फिर इन रिश्तों को मजबूत करके एक बेहतर शुरुआत करें। मैं कल रात आपकी के रवैये के लिए से माफी मांगता हूं। मेरे यकीन करें कि जो भी आपने देखा है वो मुकम्मल सच नहीं है। आप ही ट्रॉमा से गुजर रही हैं, वो खुद नहीं जानती कि वो क्या बोल रही हैं। मेरे लिए तो ये हर रात का किस्सा है। हर रोज रात को ऐसे ही तैयार होकर ऐसे ही बिहेव करती हैं, कहीं नहीं जाती, खुद को अजियत देने के लिए सब करती हैं। उनको लगता है कि वो दुनिया वालों से उन बातों का बदला ले रही हैं जिसने उनकी जिंदगी में शहर खोल दिया। आप ही और यावर भाई की पसंद की शादी थी, दोनों बहुत खुश थे, मगर आप ही की सास इस रिश्ते से कभी भी खुश नहीं थी। हाँ, मैं तो झूठी औरत हूं, तुम हो सच्ची औरत, पाकबाज। बुलाओ अभी मोहल्ले वालों को, वो बताते हैं तुम्हारे करतूत। उन्होंने आप ही को कभी दिल से कबूल नहीं किया। पहले दिन से उनकी ये ख्वाहिश थी कि रिश्ता सादा दिल न चले, इसीलिए उन्होंने आप ही को हर तरह से तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की। तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ की तजलील हो रही है और तुम सुन रहे हो, कुछ नहीं कह रहे। लेकिन आप ही ने हर चीज का बहुत साबित कदमी से मुकाबला किया। अहमद की पैदाइश के बाद आप ही को लगा कि सब ठीक हो जाएगा, मगर उनकी सास की आए दिन साजिशों ने आप ही और यावर भाई के रिश्ते में खोट डाल दिया। 10 साल आप ही अहमद को सहारा बनाए, हर इल्जाम हर तकलीफ का सामना करते हैं, ताकि जो उनके रिश्ते में गलत फहमियां पैदा हो चुकी थी उनको दूर किया जा सके। लेकिन इस बार उनकी सास का फार बहुत खतरनाक था। आज तक
आज तक वो अहमद के जुमले मेरे कानों में गूंजते हैं। बहुत बुरी हो रहे थे आप, चली जाएं यहां से, चली जाएं, चली जाएं। सुन लिया तुमने, या कुछ और बाकी है अभी? मैं लेके जा रहा हूं अभी को। जाना बेटे से नहीं लड़ सकी, उसके सामने खुद को बागबाज साबित करने की हिम्मत नहीं थी, हौसला नहीं था। खामोश हो गई वो, कई दिनों तक कुछ नहीं बोली और फिर उनका वो रूप सामने आया जो कल रात आपने देखा। उन्होंने खुद को उसी नजर से देखना शुरू कर दिया जिस नजर से इस सब करीबी रिश्तेदारों में देखा था। अब वो रोज अपनी नजरों में खुद को बच्चेलन साबित करती, भाई के लिए कितनी तकलीफ दे बात है। मेरा सर शर्म से झुक जाता, मेरी आंखें शर्म से झुक जाती हैं जब वो रोज रात को तैयार होकर उसे पूछती है कि जाओ बाहर जाके देखो कि कोई मर्द खड़ा है। मैं बेबस हूं, कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं जानता हूं कि वो खुद को असियत देकर उस असियत को भूलना चाहती है जो अहमद की बात से उनको पूछी। बहुत दफा जो हकीकत नजर आती है वो असल में होती नहीं है। हम इंसान बड़ी जल्दी फैसला ले लेते हैं, को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। बल्कि मुझे तो आपकी आप ही का शुक्रगुजार होना चाहिए कि जाने आज कितने सवालों के जवाब मिल गए मुझे। समझ आ गया कि आपकी जिंदगी में जिंदगी की क्या अहमियत। लगे है कि आप इतना हौसला कहां से आया जो आज तक आप मेरे लिए लड़ रहे हैं। जरा अपना मोबाइल देना। क्या हुआ?
हैरान क्यों हो रहे हो? तुम्हें बहुत पसंद है ना बोल्ड पिक्चर्स, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी कुछ तस्वीरें बना के दूं ताकि तुम जब चाहो उन्हें देख सको, इंजॉय कर सको। क्या हुआ, शर्म आ रही है? साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है और वो है पाकीज़ा को इंसाफ दिलाना। भर लो इसमें अपनी वो कीमत जिसके बदले हम अपनी वो रही सही इज्जत बचा सकें। कीमत तो मैं अपनी ही मर्जी की लूंगी, इज्जत के बदले इज्जत। वो तुम्हारी नफरत का मुकाबला पाकीज़ा की मोहब्बत से करता है। ये सब कुछ जानकर पता नहीं अपने साथ क्या कर बैठे। अपनी जात से जुड़े अब किसी भी इम्तिहान से डरने लगता मुझे। अब मां बनने वाली जिंदगी बर्दाश्त से ज्यादा तकलीफ तो कही मैं जानती हूँ। इस बार जिंदगी को शिकस्त देने के लिए हथियार भी जिंदगी बने।